बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज जो है मैं अपना रूटीन जो है आप लोगों से शेयर करता हूँ कि आजकल मेरी क्या रूटीन हुई पड़ी है। बहुत ही टफ रूटीन है। सुबह के इस टाइम जो है बज रहे हैं 7:45 हो गए हुए हैं और 8 बजे मैंने जो है जॉब पर पहुँचना है। सबसे जो है दुनिया का मुश्किल काम मुझे लगता है सुबह उठना, सुबह उठ के काम पे जाना। लेकिन जॉब ही ऐसी मिल रही है जिसमें सुबह उठना पड़ता है। खैर अभी टाइम जो है 20-30 मिनट रह गए हैं और रेडी होके जो है जॉब पर निकलना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये मैंने जो है इस टाइम ये मैंने 5-10 मिनट आके रखे हैं। ये पंखा है, बंद करते हैं खिड़कियाँ जो है बंद करते हैं। खिड़कियाँ मैंने इसलिए की होती हैं कि ताकि मुझे जो है ना सुबह आँख खुल जाए रोशनी से। इस टाइम जो है मैं रेडी हो गया हूँ और हेलमेट रखे हैं। यहाँ से हम उठाते हैं अपना हेलमेट और चलते हैं नीचे। जी ऑलमोस्ट रेडी हो गया हूँ और इस टाइम जो है हम चलते हैं नीचे। टाइम जो है वो रह गए हैं पीछे 4 मिनट। जॉब का डिस्टेंस जो है वो 2 से 3 मिनट का है, इसलिए जो है मैं पूरे पूरे टाइम पे उठता हूँ। और मैंने सोचा कि चलो ये देखें नीचे जो है हमारी बाइक्स खड़ी हैं, अब रेडी, अब बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। नहीं, फाइनली जो है इस टाइम मैं जॉब पे पहुंच गया हूँ और ये मेरा न्यू रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। और इस टाइम जो है मैं बाइक पे बैठा हुआ हूँ और सुबह के बज रहे हैं 8:30। और तमाम अभी आलो जी चलेंगे, अब जो है हम अंदर जाते हैं और आपको अपना नया रेस्टोरेंट दिखाते हैं। ये है हमारा नया रेस्टोरेंट। सुबह सुबह का पैकेट था और पुलिस स्टेशन का पैकेट था और डर ही लगता है आज जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, तो उसके मुताबिक डर ही लगता है यहाँ पे भी आते हुए। इस टाइम जो है हम दूसरा पैकेट देखते किधर जी गर्मी का चक्कर है। और ये देखिए इस टाइम हम चलते हैं, जूस पी रहे हैं। अभी हम पैकेट जो है डिलीवर करके आए थे और जो है अब हमने जाना है 0 फ्लोर पे। और बाय चांस आज जो है हमें मिल गई है लिफ्ट, नहीं तो मोस्टली जो होता है ना हमें सीढ़ियाँ चढ़ के वो आना होता है ऊपर, थक जाता है बंदा जब तीसरे 14-14 फ्लोर पे जो है ना पैकेट के लिए जाना पड़ता है। ये देखें इस टाइम जो है ये मैंने जैकेट पहनी हुई है कि यार ज़रा धूप से बच जाए, और जैकेट का फुल जो है ना कलर उड़ गया हुआ है। तो बड़ा हार्ड काम होता है डिलीवरी का, इतना आसान भी नहीं होता, पैसा कमाना आसान थोड़ी है। वेल लिफ्ट जो है खुल गई है और जूस पीते हुए हम जो है बाहर निकलते हैं। गर्मी जो है बहुत ही हैवी हुई पड़ी है, इसे ज़रा इधर रखें। अच्छा मैं आप लोगों को ये भी बताता चाहूँ कि नॉर्थ साइप्रस में जो है ना 2 से 3 महीने अखीर गर्मी रहती है, 45, 46, even 47 तक भी यहाँ पे इस दफ़ा जो है ना टेम्परेचर चला गया हुआ है। और जब न्यू स्टूडेंट्स ने आना है तब मौसम फिर जो है वो चेंज हो जाना है। और समर चल रही है, समर हॉलीडेज स्टार्ट हो गई हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है वो टोटल बंद हो गई हुई हैं, काम जो है वो ज़रा स्लो हुआ पड़ा है। खैर मेरा ये जो है ना ये गर्म ना हो जाए तो मैं अभी ये पीता हूँ और फिर रेस्टोरेंट निकल। अच्छा एक और आप लोगों को मज़े की चीज़ बता जाऊँ, ये देखिए एड्रेस किस तरह ट्रेस करना होता है। ये तो प्राइसेस लिखी हुई हैं ना, ये तुर्किश तीरा में लिखी हुई हैं प्राइसेस। कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है और ये बारकोड भी होता है। बारकोड आप स्कैन करें तो आप आपके लोकेशन पे जो है भिजवा देते हैं। यहाँ पे जो कैश जो यूज़ होती हैं यहाँ पे ज़्यादातर ये मशीन से ही जो है ना पेमेंट्स होती हैं यहाँ पे, या फिर ऑनलाइन होती हैं। नहीं जी फाइनली जो है हम काम करके वापस आ गए हैं घर। और इस टाइम जो है हम मैं घर में बैठा हुआ था, आगे शावर वगैरह लिया और मैंने सोचा कि यार शूज़ मेरे जो है ना वो फट गए हैं एक चल चल के काम की वजह से, तो एक शूज़ लेने जा रहा हूँ मैं। तो आज मार्केट में चलते हैं और देखते हैं कि शूज़ों की और कपड़ों की क्या प्राइसेस चल रही हैं यहाँ पे,
क्या आप लोगों को शूज़ जो है वो पाकिस्तान से लेके आने चाहिए या यहीं से लेके आने चाहिए। खैर चलते हैं अभी अंदर, हेलमेट पकड़ते हैं और निकलते हैं। फाइनली जो है हम ये शूज़ लेने आए हैं, इसकी कॉस्ट जो है इस टाइम वो चल रही है 1500 रुपीज़। तो ये यहाँ पर शूज़, लेट्स चेक के हम कौन से शूज़ लेते हैं फाइनल, क्योंकि शूज़ जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं और इस टाइम कोई भी जो है ना 1500-2000 से कम नहीं है यार। क्या करें क्या ना करें, लेकिन शूज़ जो है लाजमी है, नहीं लेंगे तो काम नहीं होगा। अच्छा तो ये हमारा न्यू रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम मतलब मैंने अब काम स्टार्ट किया। ये देखें ये ऑर्डर लग रहे हैं और ये इनका सारा मतलब अंदर का छोटा सा किचन है। और अभी मैं आपको बाहर भी दिखाता हूँ, ये देखें हम बाहर चलते हैं और ये देखें ये बाहर वाला एरिया है। ज़्यादातर यहाँ पे जो है डिलीवरी का ही काम है और हम यहाँ पे जो है पाकिस्तानी मिल के आपस में डिलीवरी का काम करते हैं 4 से 5। और ये देखें ये जो है इनका ये स्पेशल कीमे वाली रोटी होती है जिसे हम पाकिस्तानी जो है ना कीमे वाली रोटी कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे इसे गोजल में और लामा चून कहते हैं। ये देखें ये इनका इसका बनाने का प्रोसेस है, उसके इस ये इसके बाद इसे डालेंगे तवे पे और ये इस तरह जो है रेडी हो जाएगी। खैर ये होगी रेडी, अब हम चलते हैं मार्केट। तो आज हम मार्केट में आए हैं देखने चीज़ों की प्राइसेस क्या है और साथ साथ मैंने घर की कुछ चीज़ें लेनी थी। कल दरअसल मेरा वीकेंड भी है, ऑफ भी है, तो मैंने छोटा नहीं सोचा आई मीन कि कुछ चीज़ें हल्की फुल्की घर के लिए ले लें तो कुकिंग भी कर लेंगे। इस टाइम मार्केट में आए हैं हम देखने, और मार्केट में जो है इस टाइम महंगाई बहुत हो गई है, चीज़ें तो हम कुछ लेने आए हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कोई अच्छी चीज़ हमें नज़र आई, फ्रूट शूट हमें नज़र आया, कुछ भी नहीं था। ये देखेंगे लेने कुछ आए थे पर ले क्या लिया। अभी हम आगे चलते हैं और पीछे भाई को रास्ता देते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें। यहाँ ये जराबें नज़र आ रही हैं, मुझे जराबें जो हैं सॉक्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमें चाहिए। और सॉक्स देखते हैं एक जो शाही पता नहीं क्या लिखा हुआ है तो कुछ में यानी कि पाकिस्तानी 2000 आई मीन पता नहीं कितने हैं यार, कितने भी हैं बस उठाओ और चलो आगे। खाली है हमने 2 सॉक्स और अब हम चलते हैं अगले सेक्शन में और क्या लेना है। आगे असल कैमरा जो है मैं ऊपर नहीं कर सकता। हाँ ये ऑयल लेना है, ऑयल देखते हैं कितने का चल रहा है। और ये है आइसक्रीम की आवाज़, बड़ी देर बाद चक्कर लगा यार मार्केट का और ये बड़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं, बहुत हैवी सा माल है। और आइसक्रीम देखते हैं कि कौन सी लेनी है, लेनी भी है कि नहीं लेनी है, क्या करना है। प्राइसेस से तो सोच रहे हैं कि फ़र्क करवाओ रहने दो, खैर छोड़ो यार चलें आगे। अभी सामान और भी कुछ रह गया है, और क्या रह गया है, हाँ एक कोला। फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए हैं हम, और आज संडे था, आज हमारी जो थी क्लोजिंग वो जल्दी हो जानी थी, 4 बजे होनी थी और मैं 5:30 घर पहुँचा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी जो कि मैं करके आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना मैं ले के आया हूँ शॉपिंग करके मार्केट से, और अब जो है फ्रूट वगैरह उसको लगाते हैं अभी हम टोकरी में डाल के प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कल अपना ऑफ है तो ऑफ वाले दिन जो है ना फुल मज़े से इजी से चिल करेंगे हम। अभी कुकिंग भी करनी है अपनी, कल के लिए चीज़ें जो है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट करते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कोई और चीज़ें वीडियो होगी इंशाल्लाह, उसमें भी आप लोगों के साथ वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। डेढ़ से 2 मिनट तक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।